Hello everyone. So in this video we will cover the method of evolution of algebraic limits at infinity. Okay, so humne last kai sare methods discuss ki hai, like direct substitution method, rationalization method, factorization method, and जो फाइनल हमारा मेथड है फॉर एलजेब्रिक लिमिट टाइप वाले क्वेश्चंस के लिए वो है मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी. ओके, तो बेसिकली अगर हम इन्फिनिटी के केस में अगर हम कुछ बात करते हैं तो जो लिमिट होगी इन क्वेश्चंस की लिमिट होगी वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स होगी, या तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रही होगी या फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रही होगी. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट हम उनको चेक कर पाएंगे कि पर्टिकुलरली कहीं कहीं पे वो जब यूज हो रहा होगा तो हम उनको पता होना चाहिए कि उनके आंसर क्या आने वाले हैं. तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट्स है उनको यूजफुल रिजल्ट है जो हमने इन्फिनिटी के केस को सोल्व करके निकाले हैं उनको आपको याद रखना है. लाइक दैट अगर आप देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी दोनों के विद सिंबल आएंगे और दोनों में कहीं पे ये सेम इफेक्ट डालेंगे कहीं पे ये डिफरेंट इफेक्ट डालेंगे. तो आपको अंडरस्टैंड रखना है कि कौन सी तरफ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव हो रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव हो रहा है. तो देखिए अगर लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव हो रहा है इट मीन्स वन माइनस एक्स जब आप करोगे देन वैल्यू पुट करोगे तो आपको जीरो मिलेगा. सिमिलरली अगर आप वन माइनस वन ये इन्फिनिटी की तरफ टेंस हो रहा है तब भी आपको जीरो मिलेगा. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन अगर आप मान लीजिए कोई कॉन्स्टेंट है और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रही है यानी कि इस फंक्शन में एक्स की कोई टर्म नहीं है तो सेम कॉन्स्टेंट आपका आ जाएगा. अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही तो भी आपका सेम कॉन्स्टेंट है वो आपका आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट अगर मान लीजिए लिमिट है वो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ मूव हो रही है एंड जो हमारा एक्स का फंक्शन की फॉर्म में वो गिवन है लाइक दैट. यहाँ पे देखिए आप सी अपॉन एक्स की पावर एन, इट मीन्स अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रही है देन मान लीजिए इन्फिनिटी के पावर कुछ भी करेंगे तो इन्फिनिटी आने वाला है तो दैट मीन्स ये आपका जीरो हो जाएगा. तो ये वाला अभी आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर किसी कॉन्स्टेंट के पावर एक्स की पावर एन की फॉर्म में आती है और एन नेचुरल नंबर है जीरो से बड़ा तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है. अगर सिमिलरली अगर आप अगला रिजल्ट देखते हैं तो एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है और इट मीन्स सी अपॉन एक्स एन जब आप करेंगे तो आपका जीरो आने वाला है. इट मीन्स जो एन है वो आपका नेचुरल नंबर की तरफ जाने वाला है. ओके, तो यहाँ से देखिए आपका लिमिट एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी के केस में भी आपको जीरो मिलने वाला है. ओके, देन अगर आप अगले रिजल्ट देखते हैं तो देखिए लिमिट प्लस इन्फिनिटी है और वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो भी आपको जीरो मिलेगा. अगर माइनस वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रही है एंड वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो भी आपको जीरो मिलेगा. अगर वन अपॉन एक्स क्यूब देन सिमिलरली वो चलता रहेगा, सेम ही कंडीशन है उसको ही डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे. अगर आप आगे देखते हैं अगर लिमिट एक्सटेंड टू प्लस इन्फिनिटी है और केवल एक्स गिवन है इट मीन्स आपका प्लस इन्फिनिटी आंसर आएगा. एंड अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी है तो एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी शो आएगा क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे क्योंकि एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रहा है. देन अगर आप एक्स स्क्वायर देखेंगे तो भी आपको प्लस इन्फिनिटी मिलने वाला है और एक्स स्क्वायर अगर आप माइनस के केस में रखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा. अभी देखिए अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी होता है, वो आप जनरली चेक कर लेंगे. देन अगर आप अगले रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो e की पावर x और अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आपको इन्फिनिटी मिलने वाला है. अगर आप x की पावर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और e की पावर x है तो भी आपको इन्फिनिटी मिलने वाला है. देन अगर आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और e की पावर माइनस x है तो आपको जीरो मिलने वाला है. एंड अगर आप लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है और e की पावर यहाँ पे माइनस x है, अगर मान लीजिए e की पावर माइनस x है तो आपको जीरो मिलने वाला है. ओके, देन अगर आप लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी और ए की पावर एक्स गिवन है, यहाँ पे ए का जो मोड है वो एक से जो वन है उनसे कम है देन आपको जीरो मिलने वाला है. अगर ए वन से ज़्यादा है तो आपको अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रहा है तो आपको इन्फिनिटी आंसर मिलने वाला है. तो इस तरीके से आपको अगर आप मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी पे अगर आप चेक करते हैं तो आपको कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होने चाहिए जिनमें जो लिमिट है वो या तो प्लस
एक्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रही है या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रही है, तो आपको इसकी पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड देन डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे इन पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड लिमिट का यूज होता है। उन एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ पाएंगे किस तरीके से ये जो लिमिट है वो क्वेश्चन के वेरियस स्टेम में यूज होती है। जैसे आप अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलरली ये लिमिट्स यूज होगी, देन उसका सोल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बोर्ड पे देखिए। सो इन दिस मेथड फर्स्ट जो हमने अभी इन्फिनिटी वाला जो मेथड देखे थे और वेरियस जो स्टैंडर्ड्स देखे थे उनको हम उसकी एल्गोरिथम को पढ़ने का ट्राई करेंगे, जिसे एल्गोरिथम से मतलब है हमारा कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को एक राइट प्रोसीजर में डील करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर हम स्टेप फर्स्ट देखें तो हमें क्या करना है कि राइट डाउन द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए रेशनल फंक्शन दैट इज एफ एक्स बाई जी एक्स इफ़ इट इज नॉट सो। अगर वो रेशनल फंक्शन में नहीं है, यानी कि जैसे ये आप देख रहे हैं तो एक रेशनल फंक्शन की फॉर्म में, अगर ये रेशनल फंक्शन की फॉर्म में नहीं हो तो उसको रेशनल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ओके, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, देन अगर स्टेप टू, इफ के इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, देन डिवाइड ईच टर्म इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स के। ओके, हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हाईएस्ट एक्स की कितनी पावर है, यानी कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर है या फिर एक्स क्यूब है या फिर एक्स फोर है। अगर एक्स फोर है तो फोर उसकी पावर होगी हाईएस्ट, या क्यूब होगा तो थ्री होगी, या स्क्वायर होगा तो टू होगी। तो जो हाईएस्ट पावर की जो टर्म्स होगी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ, उनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ईच टर्म्स इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स की पावर के। तो एक्स की पावर के से हम उसको डिवाइड कर देंगे, लाइक दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। तो इसमें एक्स, इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इट मीन्स हम एक्स स्क्वायर से इस पूरी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से इस नीचे वाली पूरी टर्म्स को भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है। उसके बाद अगर हम स्टेप थ्री देखते हैं तो यूज द रिजल्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये रिजल्ट हमने देखा था कि जब सी के नीचे अगर एक्स के पावर कुछ नेचुरल नंबर की पावर हो, देन अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो हमें जीरो मिलता है, एक ये रिजल्ट। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर कॉन्स्टेंट है तो वो कॉन्स्टेंट बना रहेगा व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये पर्टिकुलरली एन इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन जीरो, ये इसके लिए गिवन है। एंड देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी इज इक्वल टू सी जो हमारा आ रहा है, ये दोनों को हमको यूज करना है। ओके, तो ये हमारी जनरल एल्गोरिथम है, आप इसको नोट कर सकते हैं जिससे आपको पर्टिकुलरली स्टेप याद रहे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए, अगर हम एग्जांपल फर्स्ट समझने का ट्राई करते हैं फिर हम टू से थ्री क्वेश्चंस देखेंगे, वो आप सोल्व करिएगा, सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, एग्जांपल फर्स्ट में हमें गिवन है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एफ। ओके, तो ये पर्टिकुलरली आपको डाटा गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एफ। ओके, तो इनका आपको रेशियो अवेलेबल है। सो हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एफ है, इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्स की जो वैल्यू है उस एक्स की वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे कि जो लिमिट है उसको पुट करेंगे। तो अगर हम इस लिमिट को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें आएगा कि ए इन्फिनिटी प्लस बी इन्फिनिटी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस सी इन्फिनिटी प्लस एफ। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म मिलेगी। ओके, तो ये अगर हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म मिलती है, एट मीन्स ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है और लिमिट भी एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है। अगर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी हमें दिख रहा है, इट मीन्स हमें इसमें इन्फिनिटी वाला जो मेथड हमने लास्ट में सीखा उसका यूज करना है। यहां से हमें क्वेश्चन में पता लगेगा क्योंकि हमें बाकी सब गिवन नहीं होगा। तो देखिए, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 2 है, देखिए इसमें भी 2 है एंड इसमें भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो सेम अगर मान लीजिए हम इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं और इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं पूरी टर्म्स में, तो इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला है। ओके, क्योंकि दोनों ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए के साथ जो एक्स स्क्वायर था वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड नीचे जो हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके,
तो ये आपको दो टर्म पर्टिकुलरली मिल जाएगी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म्स आपकी ये वाले रूल को अप्लाई कर रही होगी, जिसमें हमने सीखा था कि अगर सी की पावर, यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ए बी सी है, ए बी सी डी ई एफ है, वो सब कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स की एन की वैल्यू अगर आप वन पुट कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट ये वाला बन जाएगा, जैसे बी की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। ओके, एंड जीरो आने वाला, तो दैट्स व्हाई इनकी वैल्यू आपके पास जीरो आ जाएगी। एंड देन अगर सी की पावर एक्स स्क्वायर एंड एफ की पावर एक्स स्क्वायर अगर आपको गिवन है, तो वो अगर आप एन की वैल्यू टू रखेंगे तो भी आपको जीरो ही मिलने वाला है, क्योंकि एक्स की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रही है, तो वो भी आपको जीरो मिलेगा। तो पर्टिकुलरली आपको जीरो की टर्म्स टू टू टर्म ये टू टर्म्स आपकी जीरो हो जाएगी, देन जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका ए डिवाइडेड बाई डी। ओके, तो पर्टिकुलरली ये आपको आंसर मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं कि किस तरीके से जो एल्गोरिथम हमारे जो लिमिट अगर लिमिट से वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो रही है, तो हमें उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। अब मैं 2 से 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो आप ट्राई कीजिए उनको सोल्व करने का, उन एग्जाम्पल्स को, एंड जो उनके सोल्यूशन आते हैं आप कमेंट में डालिए, एंड जिससे हमें पता लगता रहे कि कितने स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली इन चीज़ों से सीख रहे हैं। ओके, तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट बोर्ड पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 5x-6 डिवाइडेड बाई रूट 4x² + 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू है वो आपका लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 3x² - 1 प्लस रूट 2x² - 1 डिवाइडेड बाई 4x + 3। ओके, तो ये पर्टिकुलरली टू क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ओके, तो इस तरीके से हमने एलजेब्रिक का जो पोर्शन थे और जो वेरियस हमारे पास 5 to 6 मेथड से सोल्व करने के, वो हमने विद विद हेल्प ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उनसे डील करने की कोशिश की और उनको समझने का ट्राई किया, जिससे हमें अप्रोच आया कि किस तरीके से हम वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे टिक्नोमेट्री की तरफ। ओके, तो टिक्नोमेट्री के अंदर जो मेनली मेनली कुछ रिजल्ट्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज रिजल्ट हम डायरेक्टली हम क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि हम उन रिजल्ट्स की फॉर्म में उस क्वेश्चन को डाइवर्ट करें, कन्वर्ट करें, एंड देन हम उसको सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन रिजल्ट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टिक्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड से। सो इन दिस बोर्ड यू आर एबल टू सी इवोल्यूशन ऑफ टिक्नोमेट्रिक लिमिट। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ टिक्नोमेट्रिक लिमिट में आपको पर्टिकुलरली कौन से तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ टिक्नोमेट्रिक लिमिट में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कुछ पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड मेथड्स है, उन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड्स यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यू नीड टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इन द गिवन स्टैंडर्ड लिमिट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द अबाउट द थ्योरम। ओके, सो द थ्योरम, इफ एंगल थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, देन अगर मान लीजिए हमने थीटा को रेडियन में मेजर किया, तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो लिमिट टीटा इज इक्वल टू 0 sin θ = 0। ओके, अगर लिमिट टीटा टेंस टू 0 हो रहा है, मतलब जो लिमिट है टीटा वो 0 की तरफ टेंस हो रही है, देन sin θ जो होगा वो 0 की 0 होगा। एंड अगर लिमिट टीटा 0 की तरफ टेंस हो रहा है, तो जो cos θ अगर फंक्शन गिवन है, देन आपका जो आंसर आएगा वो आपका 1 आएगा। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो जब आपको लिमिट sin θ/θ गिवन है और टीटा 0 की तरफ टेंड्स हो रहा है, तो आपको 1 आंसर मिलने वाला है, जहाँ पे टीटा रेडियन में मेजर किया जाएगा, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए टीटा है वो 0 की तरफ टेंड्स हो रहा है, वो टेन फंक्शन जो गिवन है वो tan θ/θ है, तो आपको पर्टिकुलरली 1 आंसर मिलेगा। सिमिलरली अगर आप देखते हैं लिमिट टीटा टेंड्स टू ए है, और जो फंक्शन है वो है sin θ - a, एंड जो नीचे आपको फंक्शन गिवन है वो है भी वो है आपका θ-a, देन आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको पर्टिकुलरली 1 मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से वेराइटी ऑफ आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रिजल्ट दिए हुए हैं, आपको उनको याद रखने की कोशिश करनी है। अगर ऐसे ही लिमिट थीटा है वो ए की तरफ टेंस हो रही है, एंड जो फंक्शन गिवन है वो है tan θ-a,
डिवाइडेड बाय टीटा माइनस ए, तो आपको पर्टिकुलरली वन आंसर मिलेगा. ओके तो यहाँ पे आपको ये दो याद रखना है, देन यहाँ पे अगर आप ये याद रख सकते हैं, यहाँ पे टीटा माइनस ए होगा तो यहाँ पे भी टीटा माइनस ए होगा तो वन आंसर मिलेगा. सिमिलरली इसके लिए कर सकते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे साइन थ्री टीटा अपॉन थ्री टीटा है तो भी आपको वन मिलेगा आंसर. ओके तो इस तरीके से आपको इन स्टैंडर्ड थ्योरम्स को याद रखना है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हमने काफ़ी सारे मेथड सीखे हैं, काफ़ी सारी अप्रोच सीखी है एंड उन पे पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस भी हमने करने का ट्राई किया है. लास्ट वाले एग्जांपल में कुछ आपको दिए हैं वो भी आपको सोल्व करने का ट्राई करना है. ओके तो हम एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन डील करते हैं इस पर्टिकुलरली थ्योरम पे इन नेक्स्ट बोर्ड. सो इन दिस बोर्ड यू आर एबल टू सी इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन द वेरिएबल टेंस टू जीरो. ओके देखिए वेरिएबल टेंस टू जीरो का अलग केस आएगा और अगर वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो आएगा उस टाइम पे आपको अलग सोल्यूशन मिलेगा. तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल टेंस टू आपके जीरो आ रहे हैं जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है और जिसका वो भी आपको समझाया गया. तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ, देन ये फोर एग्जाम्पल आप सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा. आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिससे आपके पास ये पर्टिकुलरली ये चारों क्वेश्चन आपको मिल जाए. ओके चारों क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली आप बाद में कर सकते हैं. ओके तो देखिए लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स आपको गिवन है. तो देखिए अब साइन एक्स अपॉन इसका तो आपके पास फॉर्मूला है कि इसकी तो आपने थ्योरम पढ़ी कि साइन लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन x इक्वल टू वन होता है. तो यहाँ पे जब 3x है तो पर्टिकुलरली इसको भी 3x होना चाहिए. ओके तब भी वन ही होगा. ओके तो हम क्या करेंगे, 3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो इस तरीके से बन जाएगी. 3 हम बाहर ले लिए देन जो ये 3 था इसको हमने बाहर ले सकते क्योंकि उसमें वो कॉन्स्टेंट है. तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन 3x अपॉन 3x. ओके तो साइन 3x अपॉन 3x से ये आपका पर्टिकुलरली वही फॉर्म बन गया जो हमने डिस्कस किया था. तो इट मीन्स इसका जो आंसर होता है इस पूरी लिमिट का वो थ्योरम के हिसाब से 1 होगा क्योंकि यहाँ पे ये x बाय 2 होगा और यहाँ पे भी x बाय 2 होगा तो भी 1 ही होगा क्योंकि ये एक तरीके से थीटा जो थीटा है उसकी वैल्यू 3x हो रही है यहाँ पे. ओके तो साइन थीटा अपॉन थीटा ही बन गया है. तो आपको 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको 3 इसका सॉल्यूशन मिला है. अब सिमिलरली आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है, इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो आपके आंसर आते हैं उनको आपको कमेंट में करना, कमेंट कीजिए उनके आंसर एंड देन क्रॉस चेक हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, काफ़ी सारे स्टूडेंट करेंगे. तो डेफिनेटली इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने एलजेब्रिक के भी मेथड देखा इन्फिनिटी वाला एंड देन हमने टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर भी अप्रोच देखे, इन क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश की है. अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो आखिरी वीडियो होगा लिमिट पे बेस, उसमें हम पर्टिकुलरली डील करेंगे जो मेजर 3 to 4 पोर्शन है नॉन जीरो वेरिएबल की तरफ जा रहा है या फिर अदर जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे क्योंकि लेंथी वीडियो जाएगा. तो डेफिनेटली हम मिलते हैं अगले वीडियो में एंड तब तक आप इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा एंड जुड़े रहिए हमसे, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि ये सेल्फ स्टडी के लिए अब सबसे बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है जहाँ पे आपको सारे फ्री में लेक्चर सारे फ्री में मटेरियल मिलता है. तो आप इसको हम अप्रिशिएट किया करेंगे तो हमारा और मोटिवेशन बना रहेगा. ओके थैंक यू सो मच एंड गुड लक.